नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बच्चों की वैक्सीनेशन की जिलाधिकारी ने की शुरुआत। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर भारत सरकार द्वारा वैक्सीनेशन कर अंकुश लगाया गया, जिसमें पहले फ्रंटलाइन वर्कर, सीनियर सिटीजन 18 से 45 वर्ष, 15 से 17 वर्ष, उसी क्रम में 12 से 14 वर्ष के बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत आज पूरे देश में शुरू की गई। उसी कड़ी में जनपद कन्नौज स्थित विनोद दीक्षित अस्पताल में जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार प्रभारी, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गीतम सिंह, अधीक्षक सुधांशु द्विवेदी द्वारा बच्चों के वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया गया। विनोद दीक्षित, में क्या प्रोग्राम था, आप आए थे यहाँ पर? ये कोविड संक्रमण के विरुद्ध आज वास्तव में एक नया कीर्तिमान फिर स्थापित हुआ। जिले में 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया है और 12 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको कार्बोवैक्स का ये कोविड टीका लगेगा। जो हमारे ज़िले की टोटल इसमें पॉपुलेशन है, करीब 70,174 ऐसे लोग हैं इस एज ग्रुप के जिनको ये टीका लगना है, और जिनको टीका लगेगा उसके 28वें दिन बाद उनका दूसरा डोज लगेगा। मेरा सभी जनपद वासियों से अनुरोध है कि जैसे आप लोगों ने 19+15 से 18 में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, उसी तरह इस लड़ाई में अपने जो बच्चे हैं उनका अधिक से अधिक टीका लगवा करके उनको सुरक्षित करा लें। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।